हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। तो चैप्टर वन हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा, फिजिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो बच्चे आगे साइंस लेना चाहते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फर्स्ट वीडियो है हमारा, बहुत बेसिक रहेगा। तो बेटा, मैं कोशिश करूँगा कि फिजिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था तो इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था मुझे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी मेरे स्टूडेंट्स फेस ना करें। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो बेटा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए अभी नया है। इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो पता, हम लोग घरों में यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एज अ सब्जेक्ट हम लोग अभी इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम लोग दो चीजें पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th में केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते थे बेटा? चार्जेस होते थे ना, दो चार्जेस थे हमारे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होता था नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कि अगर चार्जेस के अंदर मोशन आएगा, यानी चार्जेस फ्लो करेंगे, तो जो जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन कह रही है इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस के अंदर फ्लो कब आएगा? पहली चीज तो चार्जेस होने चाहिए, और चार्जेस कैसे होने चाहिए? फ्री। चार्जेस कैसे होने चाहिए बेटा? फ्री। अच्छा, एक और चीज बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं और मैंने बताया चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो, फ्लो की बात कर रहा हूं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर प्रोटॉन्स के बारे में क्यों नहीं? उसका रीजन आगे वाली वीडियोज में आप लोगों को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, और वो चार्जेस भी कैसे होते हैं? फ्री। और फ्री में भी कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जब, अगर ये मेरा एक कोई भी कंडक्टर है और इसमें से मुझे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, भाई इलेक्ट्रिसिटी कहां से फ्लो करेगी? किसी भी कंडक्टर में से। तो अगर इसमें से मुझे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है तो इसके पास सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन होना चाहिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स में से भी करता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम करता है, और इंसुलेटर्स में से बिल्कुल नहीं करता। क्लियर है बेटा? तो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की बात चल रही है तो उसमें दो केसेस निकल के आते हैं। पहला कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि इट इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अब मुझे ये भी पता है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं बेटा? टू। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, जो कि मैं पहले पढ़ के भी आ चुका हूं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा और नेगेटिव चार्ज चार्ज को बेटा नेगेटिव से। एक और चीज बेटा चार्ज के बारे में, कि अगर सेम चार्जेस मिलेंगे तो बेटा रिपल्शन, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव नेगेटिव, यानी दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी हो जाएगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल। अपोजिट चार्जेस, आइदर वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। अगर अपोजिट चार्जेस है तो बेटा ये दोनों आपस में अट्रैक्ट, पढ़ा है ना सब लोगों ने अपोजिट अट्रैक्ट, तो वही लॉजिक यहां अप्लाई होता है। ठीक है बेटा? तो सेम वालों के बीच में दुश्मनी, अपोजिट वालों के बीच में प्यार, यानी अट्रैक्शन होगा। तो हमने ये पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। टाइप्स ऑफ चार्जेस दो होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। हमने ये भी आपको बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव बेटा आपस में रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब भी मिलेंगे तो क्या करेंगे बेटा? आपस में अट्रैक्ट। तो एक नोट में मैंने बेटा नोट्स बनाते रहिएगा, पूरा वीडियो पॉज करके आप लोग, मैं पूरे इस तरीके से नोट्स बनवा दूंगा आप लोगों को, कि इस चैप्टर में फिर आपके कोई डाउट नहीं आने वाला। नोट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अभी बताया ना, सेम सेम रिपेल करेंगे, एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे थे। अब अभी हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की जो बेटा एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम। और 1 कूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो वो अभी मैंने आगे आपको करा भी रखा है कि 1 कूलम की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स।
तो बेसिक हमारा हुआ इलेक्ट्रिसिटी, हो गई इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने चार्जेस बताया आप लोगों को। उसके बाद बेटा एक डेफिनेशन जनरेट होती है, डिफाइन वन कूलम, कि वन कूलम की वैल्यू क्या होती है आप बताइए। तो अगर मैं वन कूलम के बारे में आपको बताऊं, तो डेफिनेशन देखिए, वन कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9×10⁻⁹ न्यूटन ऑन अ इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, मैंने बताया कि वन कूलम वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है कि अगर दो चार्जेस, सेम चार्जेस, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव नेगेटिव, अभी मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता है, दोनों सेम चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, अगर दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, अगर दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, और चार्जेस कैसे बेटा, सेम सेम है तो रिपेल करेगा, अभी बताया था सेम चार्जेस रिपेल करते हैं दूसरे को, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, मतलब इसे धक्का देगा, कितनी फोर्स, कितने न्यूटन से, 9×10⁻⁹ न्यूटन, न्यूटन इज दी बेटा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, क्लियर है। अगर दो चार्जेस सेम चार्जेस रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पे, सेम है तो बेटा रिपल्शन होगा, देखिए मैंने बताया था सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो मैंने यहां कौन सी कंडीशन ली, सेम चार्जेस की। तो अगर दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं सेम चार्जेस, तो एक चार्ज अगर दूसरे पर कितनी फोर्स लगाता है, 9×10⁹ न्यूटन, फोर्स इतनी होनी चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। तो अगर मैग फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना निकल के आता है, तो मेरे ये दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या रही होगी बेटा, 1 कूलम। नहीं आया समझ, मैंने बताया कि अगर आपको ये चेक करना है कि जो चार्ज है आपका 1 कूलम का है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, 2 1 कूलम के चार्ज लीजिए और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर, दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा बेटा। तो अगर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है कितनी, 9×10⁹ न्यूटन की, तो मैं ये कहूंगा कि उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 कूलम। अगर इससे कम या ज्यादा फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड 1 कूलम नहीं होगा। तो यहां से आपकी डेफिनेशन निकल के आई, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9×10⁹ न्यूटन ऑन अ इक्वल चार्ज placed at a distance of 1 meter from it. Clear बेटा, define 1 कूलम आप आराम से कर लोगे। देखो रटना नहीं है कुछ भी, लॉजिकली मैंने आपको यहां पर समझाया कि किस तरीके से होता है। अब हमने बताया कि चार्जेस के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो जो बेटा प्रोटोन होता है उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोन के पास क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। बेटा मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड हमेशा हमारा क्या रहता है, सेम, और वो मैग्नीट्यूड क्या है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की जो बेटा, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, वो होती 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन के लिए तो ये वैल्यू होती है, और इलेक्ट्रॉन के लिए इसके आगे माइनस आ जाता है। बेटा कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, तो वो क्या करते हैं, वो यहां पे पॉजिटिव कर देते हैं 19 को। नहीं बेटा, 10 की पावर तो हमेशा -19 ही रहेगा, आइदर प्रोटॉन और आइदर इलेक्ट्रॉन। साइन का जो चेंज आएगा वो आगे आएगा, प्रोटॉन के लिए आगे प्लस और इलेक्ट्रॉन के लिए आगे माइनस। क्लियर है बेटा? तो यहां से क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा देखो, क्वेश्चन है कि आपको यह चेक करना है कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को मदद लेनी पड़ी होगी, यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखो यहां से भी आपको पता पड़ रहा है, ये मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि 1 कूलम जो होता है वो होता है 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब मिले होंगे तब जाके 1 कूलम बना होगा। मतलब कूलम बड़ी वैल्यू है, कॉमन सी बात है ना बेटा, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक को फॉर्म कर रहे हैं, तो जो फॉर्म हुआ है वो तो ताकतवर रहेगा ना, तो कूलम हमारा ताकतवर रहेगा। तो अगर क्वेश्चन है कि 1 कूलम में आपको निकालने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं ये रिलेशन यूज करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने आपको बताई थी 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अब यहां से अगर मुझे 1 कूलम की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने देखो ये वाली क्वांटिटी क्या करी, ये कूलम के साथ मल्टीप्लीकेशन में थी, ये इधर आएगी तो इलेक्ट्रॉन के साथ डिवाइड में चली जाएगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन/(1.6×10⁻¹⁹) हो जाएगा =1 कूलम। तो बेटा जब आप इस क्वांटिटी को डिवाइड करके देखोगे 1/(1.6), तो आपका आंसर निकल के आता 0.625, एग्जैक्ट आंसर आएगा
0.625 इलेक्ट्रॉन लगाया आगे, तो मैंने आगे इलेक्ट्रॉन रख दिया, नीचे 10 की पावर -19, तो बेटा एज इट इज आगे 10 की पावर -19। अब हमें बेसिक मैथ्स पता है कि अगर 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो बेटा पावर किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में, तो क्या आएगा यहां से आंसर, 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर +19 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा ये आंसर भी ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं कि एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो अगर पॉइंट एक राइट में शिफ्ट होगा तो बेटा एक पावर डाउन हो जाएगी, तो यहां से मेरी वैल्यू निकल के आई 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 कूलम। और देखो यही तो मेरी थी वैल्यू, और वही क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बेटा थोड़ा सा बेसिक रहा हमने इसमें क्या करा अभी आपको, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि पहले चार्जेस होने चाहिए उसके बाद उनके अंदर मोशन होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया चार्जेस दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बताइए आपको कूलम। उसके बाद हमने आपको बताया कि डिफाइन 1 कूलम, कि 1 कूलम की वैल्यू क्या होती है, और हमने इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट कराया कि 1 कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक है, अभी इसके आगे हम लोग आपको कराने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस।